फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भीतर आते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से अगुवानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर पहुंच गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर पहले से मौजूद, तमाम सांसद वहां पर पहले से मौजूद और लीजिए ग्रुप फोटो के लिए जहां सभी सांसद पहले से ही मौजूद हैं वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और अब ये फ्रेम मुकम्मल होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। राकेश शुक्ला जी, अब तस्वीर पूरी हो गई है। अब आप इसमें ये पता करना बड़ा कठिन होगा कि कौन सत्ता पक्ष का सांसद है कौन विपक्ष का सांसद है। जैसे जिस तरीके से सबसे रुचिकर भोजन अपना खिचड़ी होता है, आप इस फोटो में देखेंगे कि दाल और चावल मिक्स की तरह सारे सांसद मिक्स है और इसमें ये अंतर करना कठिन है। और मुझे लगता है भारतीय संसद की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होगी। और फ्रेम करके दीवार पर ये तस्वीर, ये तमाम सांसद जो इसमें हैं वो अपने घर में जरूर दीवार पर लटकाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा है कि आज के दौर में ये तस्वीर आ रही है तो तकनीक के सहारे से कम सबके मोबाइल में भी ये तस्वीर आ जाएगी और फिर इनलार्ज करके अपनों को दिखा पाएंगे वो देखो यहाँ पर हम हैं जी। और ये तस्वीर, एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। तस्वीर आप देखिए, नीचे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, जो वरिष्ठ सांसद हैं वो नीचे, उनके लिए कुर्सियां भी रखी गई हैं। अच्छा, कुछ सांसद जो हैं वो बाकायदा आलती पालती मारकर नीचे बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं और स्कूल की ग्रुप फोटो याद आ रही है जहां बीच में क्लास टीचर हुआ करती थी और उनके इर्द गिर्द हम सब जो छात्राएं वो बैठ जाती थी और जिसको जहां जगह मिलती थी और हर कोई चाहता था थोड़ा बीच में जरा क्लास टीचर के पास में उसको जगह मिल जाए, तो कुछ वही कोशिश यहां पर भी बहुत से सांसदों की होगी कि वो सेंटर ऑफ द फ्रेम में उनको जगह मिले। कुछ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और खासतौर से हम जब परिवार में शादी ब्याह के मौके पर जब देखते हैं, जब छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी हाइट भी कम होती है वो अपना मस्ती करते हुए आगे बैठ जाते हैं, उसी तरीके से बैठ गए हैं सब लोग, उसमें कोई वो नहीं। और मैं एक हल्के से क्रम में देख पाया हूँ कि सोनिया गांधी को पहली रो में दिखाया गया, थोड़ा राइट हैंड पे जी, वो बिल्कुल बैठी हुई नजर आ रही है वहां पर, गुलाबी रंग की साड़ी में सोनिया गांधी वहां पर नजर आ रही है। और एक पहली एक दो रो जरूर उन्होंने जो वरिष्ठ जितने हैं सांसद या मंत्री उनके लिए रखी, वो मंत्री जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने अभी देखा आखिरी रो में पटेल और ये ग्रुप फोटो जॉइंट मुझे लगता है हो रही है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर धनखड़ साहब भी नजर आ रहे हैं, राज्यसभा के सभापति आप ओम बिरला को देख रहे हैं, हरिवंश भी हैं, हरिवंश जी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ, आप उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। अमित शाह जी के लिए एक जगह खाली है जी, बिल्कुल वहां पर गृहमंत्री अमित शाह बैठेंगे, उसके बराबर में एक और कुर्सी खाली है, फिर नितिन गडकरी वहां पर नजर आ रहे हैं और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर अन्य सांसद और नीचे बैठे हुए रामकृपाल जी नजर आ रहे हैं नीचे बैठे हुए इन सांसदों में। कुल मिलाकर ये तैयारी इस रूप में की तस्वीर में इन यादों को कैद कर लिया जाए। वो भी फर्स्ट रो में है, उसके साथ में पीछे सेकंड रो में है और जो मंत्री हैं विज्ञान मंत्री वो पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शायद ये बाकायदा व्यवस्था की गई, मतलब बताया गया है किसको कहां पर बैठना है या किसको कहां पर खड़ा होना है। शुक्ला जी, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूं लेकिन सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। नहीं नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा गया होगा कि आप किस रो में रहेंगे लेकिन कहां पे रहेंगे ये मुझे लगता है कि ये कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा क्योंकि 550 सांसदों को ये कहना कि आप सिर्फ इसी जगह पे रहेंगे या तो फिर नाम पट्टिका देना चाहिए, तो वो नहीं दिया गया। इसका मतलब ये कहा गया होगा कि आप तीसरे रो में रहेंगे, आप चौथे रो में रहेंगे, आप पांचवें रो में रहेंगे, एक व्यवस्था के तहत ये बात बताई गई होगी। मैं आपके पास आऊंगी सर। और इस बीच आप देख रहे हैं वो जो दो कुर्सियां थी, एक पर अमित शाह और दूसरे पर पीयूष गोयल यहां पर बैठेंगे। पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं वो इस समय राजनाथ सिंह के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो जो एक खाली कुर्सी इस वक्त नजर आ रही है तो बहुत मुमकिन वहां पर अमित शाह आपको थोड़ी देर में बैठे हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण, सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत यहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। रविकांत, सब तैयार हैं, फ्रेम सेट है, बस क्लिक होने का इंतजार तस्वीर के। देखिए, क्लिक होने का बस इंतजार है लेकिन अभी एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी यहां पर हो गई है। नरहरि अमीन राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, जिनको की थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन जल्द ही सामान्य रूप से शुरू होगा और फोटो होगी।
बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जो जानकारी रविकांत दे रहे थे अभी, तो वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जरा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ सांसद अभी नीचे भी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, शायद उनको अभी फ्रेम में जगह नहीं मिल पाई है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं हमें खड़े हुए, तो इंतजार किया जा रहा है कि वो भी कहीं पर एडजस्ट हो जाए ताकि फ्रेम में वो आ सके। रविकांत बिल्कुल, रोमाना खुद मनोज तिवारी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी जगह तलाश रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।